गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। म्यूटेशन टॉपिक चल रहा है। म्यूटेशन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट पढ़ा दिए। आज म्यूटेशन का पांचवा पार्ट पढ़ा रहे हैं और आज हम बताएंगे, इसमें हम बता चुके हैं स्ट्रक्चर चेंजिंग क्रोमोसोम का चार भाग। अब स्ट्रक्चर चेंजिंग क्रोमोसोम का चार भाग होता है। पहला क्या होता है? पहला तो आपको मालूम है, डिलीशन। दूसरा डुप्लीकेशन, ये दोनों पार्ट हमने बता दिया। और तीसरा चलेगा इन्वर्सन। इन्वर्सन के बाद चलेगा ट्रांसलोकेशन। तो इन्वर्सन क्या है? यहाँ पे फिगर बनेगा। इन्वर्सन यानी सी नंबर चलेगा म्यूटेशन का पार्ट फाइव, से नंबर इन्वर्सन। इन्वर्सन का हिंदी होता है व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जो उल्टे क्रम में सजे रहते हैं। जब क्रोमोसोम में जीन एक दूसरे से अपोजिट क्रम में सजे रहते हैं, उसी क्रिया को इन्वर्सन कहते हैं। इसका फिगर के द्वारा समझे, फिगर सारा क्लियर करते जाएगा। ए बी सी डी तो सेंट्रोमियर है, एफ जी एच। अब देखिए यहाँ, अब गौर कीजिए, ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या होना चाहिए? एफ। लेकिन होता क्या है? जी। कभी हो जाता है एफ, कभी हो जाता है एच, कभी हो जाता है ई। जीन एक दूसरे से क्या है? अपोजिट क्रम में सजा रखता है। जब क्रोमोसोम में जीन एक दूसरे से अपोजिट क्रम में सजे रहते हैं, उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? इन्वर्सन कहा जाता है। उस क्रिया को इन्वर्सन कहते हैं। जब क्रोमोसोम में जीन जब क्रोमोसोम में जीन एक दूसरे से अपोजिट का मतलब क्या हुआ? उल्टा। अपोजिट का मतलब उल्टा, अपोजिट क्रम में, अपोजिट क्रम में सजे रहते हैं, तो उसे इन्वर्सन कहते हैं। उन्हें समझे, जब क्रोमोसोम में जीन एक दूसरे से अपोजिट में उल्टा, एक दूसरे से अपोजिट क्रम में सजे रहते हैं, तो उसे इन्वर्सन कहते हैं। या ई के बाद क्या होना चाहिए? एफ। होता क्या है? जी। कभी एफ, कभी एच, कभी ई हो जाता है। यही वह उल्टे क्रम में सजे रहना, उसी क्रिया को इन्वर्सन कहते हैं। तो समझ गए सब बात। अब इन्वर्सन के बाद चलेगा ट्रांसलोकेशन। इसको उतार लिए, एकदम ध्यान से स्टडी करते रहिए।
ट्रांस लोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब हुआ स्थानांतरण। ट्रांसलोकेशन का मतलब स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण क्या होगा तो फिगर के द्वारा समझना है। फिगर के द्वारा समझें। फिर ध्यान दें यहाँ पे EQRS। यहाँ देखें EF जीन यहाँ से टूट गया। ब्रेक, ब्रेक मने टूटना, BREK ब्रेक मने टूटना। या EF जीन टूट कर दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाते हैं। EF जब क्रोमोसोम का कुछ जीन टूट कर दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ब्रेक मना टूटना, ब्रेक मीन्स क्या हुआ, टूटना। जब क्रोमोसोम का कुछ जीन टूट कर दूसरे क्रोमोसोम में चले जाते हैं तो उसी क्रिया को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जब क्रोमोसोम का कुछ जीन टूट कर दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसे ट्रांस लोकेशन कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांस लोकेशन कहते हैं। स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम का कितना भाग, चार भाग। पहला डिलीशन, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा इन्वर्सन, चौथा ट्रांसलोकेशन। ये चारों पार्ट हमने बता दिया। ये चारों टॉपिक समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट यानी सिक्स पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि अब जीन म्यूटेशन क्या है। जीन म्यूटेशन क्या है, क्रोमोसोम म्यूटेशन का दो भाग, क्रोमोसोम म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोम म्यूटेशन समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जीन म्यूटेशन क्या है। थैंक यू।